कृष्णा राधे राधे। देखिए आज है ग्यारस का दिन, देव उठने ग्यारस का दिन, और आज का दिन बहुत ही महात्मा रखता है। आज है हम ग्वालियर बाबा गौशाला मनसारामपुरा निवारू झोटवाड़ा पर, ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है और इसी के तहत आज हम यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं, ये गौसेवक हैं, साहिल जी हैं, रोशन जी हैं, हमारी बहन भाईसा है, महेश जी, खुटेटा साहब हैं, आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी जिनके संरक्षण और सानिध्य में ये गौसेवा चलती है। और इसी के साथ साथ बनवारी लाल जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी नाटिया साहब हैं, आप हैं संदीप जी पारिक, राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के फाउंडर, इनके संयुक्त तत्वाधान में ये गौसेवा चलती है। और ये आप हैं भाई मान सिंह जी, और ये हैं ये देखिए कालू राम जी, और इसी के साथ साथ हमारे मनोज भाई जो अनवरत सेवाएं देते रहते हैं, और आप हैं जी। हाँ, कि जैसे मैं बता रहा था कि आज है देव उठने ग्यारस का दिन, और आज का दिन के जो गौसेवा है बहुत ही महत्व रखती है। वैसे तो गौसेवा हमेशा ही महत्व रखती है, तो आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज इस पावन अवसर पर आप गौ माता के लिए क्या कहना चाहेंगे। जय गौ माता, जय जय माता। जैसा कि अभी हमारे येलो हाउस के संस्थापक पूरणमल जी, जवान भाई जी बता रहे थे कि आज देव उठनी एकादशी का पावन दिन है, और 14 नवंबर 2021 रविवार साप्ताहिक गौ सेवा गौ भक्ति परिवार जयपुर, राहत आदिशक्ति फाउंडेशन, साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, व्यास सेवा संस्थान, इन सब के सहयोग से हमारी गौ सेवा सतत चल रही है। और आज हम हैं ग्वालियर बाबा गौशाला मनसारामपुरा में, और हमारे साथ आज विशेष रूप से गौ सेवा के लिए डॉक्टर बनवारी लाल जी नाटिया, जो एनसीटी के चेयरमैन भी हैं उत्तर भारत के, और बहुत अच्छे शिक्षाविद भी हैं, आज हमारे बीच में आए हैं। तो मैं गौ भक्ति परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। और हम जितने भी हमारे सब गौ भक्ति परिवार के जो लोग जुड़े हुए हैं, साहिल भैया है हमारे, सबका परिचय भी पूर्णमल जी, जवान भाई जी ने करवाया है, श्रवण जी है, महेश जी, कुटेटा इधर, संदीप जी पारिक हैं, और बहुत युवा गौ भक्त अभिषेक अभी आज की गौ सेवा में गौ माता को भी लापसी और उसका भोग भी लगाया। तो मैं यही कहूँगा आपको जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है, और हम अपने घर से एक रोटी गौ माता के नाम की हम सब लोग निकालें, क्योंकि परमात्मा ने हमको सक्षम बनाया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो हम इस सेवा में लगें। और आज सबको देव उठनी एकादशी की, क्योंकि आज शादियाँ भी बहुत हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और खासकर गौ माता से ही प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाए, आपके व्यापार अच्छे चले, आपके घर में सब लोग निरोगी रहे, ऐसा मैं गौ माता से ही प्रार्थना करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि गौ माता का आशीर्वाद जिस पर हो जाता है उसको दुनिया में किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। तो आप सभी गौ सेवा में लगें, और हमारा इस गौ भक्ति परिवार का गौ सेवा में आप लोग तन मन धन से आप सहयोग भी करते रहें, और गौ भक्ति का आनंद भी लेते रहें। ये पावन अवसर पर हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर श्री बनवारी लाल जी नाटिया साहब, अभी गुरुदेव ने उनका परिचय करवाया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हालांकि आप बहुत दफ़ा आ चुके हैं गौ सेवा में, लेकिन जो आज का जो महत्व है, या गौ माता के बारे में आज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे आज की सेवा के बारे में, तो आदरणीय श्री बनवारी लाल जी नाटिया साहब। परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, सभी गौ भक्तों को प्रणाम। गौ माता के बारे में क्या कहना है, गौ माता हमारे सनातन धर्म की नहीं बल्कि सारी दुनिया का आधार है, और जहाँ जहाँ गौ माता की पूजा हुई है, भक्ति हुई है, उनकी देखभाल हुई है, वो देश हमेशा समृद्ध रहा है, वो परिवार हमेशा समृद्ध हुआ है। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण की आधारभूत जो बात थी वो थी गौशाला से या गौ से, वो गोपालक थे, यही धन है, यही वास्तविक धन है। गौ एक ऐसी गौ माता होती है जिसका हर चीज़ पावन होती है, हर चीज़ गौमूत्र से लेकर गोबर और दूध और सब इतने पावन होते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, यदि उनका सेवन किया जाए तो शरीर पूरा निरोग रहता है पूरा। और गौ माताएं हमेशा हमेशा आशीर्वाद देती हैं, आयुर्वेद का आधार गौ माता है, आयुर्वेद में जितने जो कुछ होता है वो सारा गौ माता के अनुसार ही होता है।
आप सब इनका पालन पोषण करें तो इस देश की समृद्धि बढ़ेगी, यही प्रार्थना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नाट्या साहब, आप पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन है। गो सेवा परम सेवा, और आचार्य नर्मदा शंकर गुरु जी ने जैसा कि कहा कि प्रत्येक दिन एक रोटी गो माता के लिए अवश्य निकालें, और सभी यहाँ पे भक्तजन आए हुए आज पावन दिन एकादशी का, इसी के साथ यहाँ सभी बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने जहाँ भी क्षेत्र में हैं आप जागरूक कीजिए सभी को। वैसे तो खैर गौ माता के प्रति सभी जागरूक हैं, लेकिन जागरूक कीजिए और गौ माता के प्रति सचेत और सावधान हो जाइए। जिस तरह से अभी वर्तमान में जो गौ माता की दशा हो रही है वो दयनीय है, और गौ माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता वैसे हमारी ओर से तो है ही, लेकिन राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सजग हो जाइए, प्रयत्न कीजिए। बोल गौ माता की जय, श्री कृष्णा राधे राधे। आज ये साप्ताहिक गौ सेवा करके प्रस्थान कर रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी जहां जहां गौ माता दिखे आपको आप वहां पर सेवा करते रहिए। जय गुरुदेव राधे राधे, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये हमारे युवा हैं, बस अब इन्हीं के सहारे है गौ माता, और सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि सब मिलकर के गौ सेवा के प्रति सजग और सचेत हो जाइए और करवाइए गौ सेवा।